वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कुशल नेतृत्व, उच्च तकनीकी कौशल एवं अनोखा सामाजिक जुड़ाव श्री वाई के साहू जी की पहचान है। 35 वर्ष पूर्व 1884 में श्री साहू ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सहायक वन संरक्षण के रूप में तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर फतेह सिंह राठौर के मार्गदर्शन में अपने करियर की शुरुआत की थी। वन सेवा में अपने प्रथम पोस्टिंग के बारे में श्री साहू ने एक बार बताया कि जब वे कोयम्बटूर के राज्य वन सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पा रहे थे, तब उन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में एक आर्टिकल पढ़ा जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में था। उस आर्टिकल में फील्ड डायरेक्टर श्री फतेह सिंह राठौर का बयान था कि वे चाहते हैं कि कोई इच्छुक अधिकारी रणथंभौर में उनके अधीनस्थ पोस्ट हो, क्योंकि अधिकतर जो पोस्ट होते हैं वे अनिच्छा से आते हैं और अन्यत्र पोस्टिंग कराने की फिराक में लगे रहते हैं। जब श्री साहू ने ये बयान पढ़ा तो उनकी इच्छा हुई कि वे श्री राठौर से संपर्क कर अपनी इच्छा जाहिर करें। समय निकल गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ, किंतु स्वतः ही श्री साहू का पदस्थापन रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हो गया। वह वन्य जीव संरक्षण के लिए काफी कठिन समय था। अनेक वर्षों तक श्री राठौर एवं उनकी टीम ने वन्य जीवों और वनों को बचाने के लिए संघर्ष किया, जिसमें स्वयं जान पर खतरों का सामना किया और अनेक साथियों ने अपनी जान का बलिदान भी किया। आज जो टाइगर रिजर्व की सुरक्षित एवं सुखद स्थिति है, वह उन कठिन दशकों में किए गए संघर्ष का परिणाम है। श्री साहू ने श्री फतेह सिंह के नेतृत्व में अभूतपूर्व सामंजस्य के माहौल में कार्य किया और उस परिपाटी को अपने समय में आगे बढ़ाया। उस सामंजस्यपूर्ण परिपाटी का सुखद परिणाम आज हम सबके सामने है। रणथंभौर के इतिहास में सबसे अधिक बाघों की आबादी होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज रणथंभौर में बाघों की एक वाइब्रेंट पॉपुलेशन है जो इस सोर्स एरिया से अन्य क्षेत्रों को आबाद करने में सक्षम है। श्री साहू के प्रबंधन में अनेक दशकों उपरांत बाघ केला देवी अभ्यारण्य को आबाद करने लगे। यही नहीं, 37 वर्ष पश्चात बाघों से वीरान पड़े इस अभ्यारण्य में बाघों ने शावकों को जन्म दिया और वह भी केला देवी अभ्यारण्य के उत्तर पूर्वी छोर पर। अलग थलग पड़े उपेक्षित सवाई मानसिंह अभ्यारण्य में वर्तमान में 15 बाघिन ने अपना आवास सुरक्षित किया हुआ है। आज रणथंभौर के एक छोर से दूसरे छोर तक बाघ विद्यमान है। पर्यटन के क्षेत्र में भी श्री साहू के कार्यकाल में रणथंभौर ने अभूतपूर्व प्रगति की। इससे एक ओर बाघ संरक्षण का आम जन में प्रचार प्रसार हुआ, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में राज्य सरकार को रणथंभौर के वन्य जीव पर्यटन से जो आय होती है वह देश के किसी भी वन्य जीव आरक्षण से कई गुना अधिक है। वर्ष 2017-18 में रणथंभौर में 4,90,000 पर्यटन भ्रमण के लिए आए, जिससे विभाग को 33,77,00,000 रुपयों की आय हुई। बढ़ते हुए बाघों को आवास हेतु क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए श्री साहू ने ग्राम विस्थापन की रणनीति में बदलाव किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 ग्रामों को पूर्णतः विस्थापित किया। इस प्रक्रिया में लगभग 1400 परिवारों को विस्थापित कर अन्य बसाया गया। इससे बाघों द्वारा उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र 350 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 600 वर्ग किलोमीटर हुआ। वर्ष 1976 में हुए विस्थापन के बाद यह बड़ा विस्थापन था। श्री साहू के मृदुल स्वभाव के कारण वन कर्मियों और ग्रामीणों के बीच की दूरी कम हुई। जो ग्रामीण चरवाहे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में मवेशी के साथ उन्हें संघर्ष करने की स्थिति में मिले, आज वे वन विभाग कार्यालय में आकर सौहार्द से मिलते हैं और उन्होंने अपने व्यवसाय बदलकर प्रगति की है। किंतु ये सब आसानी से हासिल नहीं हुआ है। विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए श्री साहू ने विषय विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों को बराबरी का हिस्सेदार बनाकर अपने साथ लिया। पूर्ण विश्वास के साथ इन्होंने वन्य जीव विशेषज्ञ श्री धर्मेंद्र खांडल के साथ मिलकर
स्थानीय युवकों की एक टीम तैयार की जो कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश में अनूठी है। यह टीम है विलेज वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर्स की। इन वॉलंटियर्स द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। ये विभाग की एक ताकत बनकर सामने आए हैं। श्री साहू को बाघों के व्यवहार की अनूठी समझ है। बाघ के सामने होने पर मानो कि वे उनकी बात समझ सकते हों। कई बार संकट में फंसे बाघों को उन्होंने स्वयं की परवाह किए बिना सुरक्षित निकाला, जैसे कि T20, T30 एवं T91 आदि। मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व को प्रथम बाघ देने में श्री साहू एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। T91 बाघ जो कि रणथंभौर से बाहर निकलकर बूंदी के जंगलों में चला गया था, उसे ट्रैक कर व्यक्तिगत प्रयासों से पकड़ सफलतापूर्व मुकुंद्रा पहुंचाया। अपने तकनीकी कौशल, व्यवहार कुशलता एवं सभी को अपने साथ जोड़कर चलने की प्रवृत्ति से श्री साहू ने बाघ संरक्षण को उल्लेखनीय गति प्रदान की, जिसे भावी पीढ़ी द्वारा याद रखा जाएगा।